पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अभी ऑपोजिशन की गठबंधन पूरी तरीके से हुआ नहीं, जहां पर बिखरना शुरू हो जाएंगे। इनको पता है कि कितना भी गठबंधन झुंड जमा कर लें, कुछ मोदी जी के विरोध में होना नहीं है, 400 पार तो नक्की होनी है। मुझे तो बहुत हंसी आती है, ऐसे जोक्स मारते हैं कई ऑपोजिशन के लीडर जो इतने सीनियर है, जिन्होंने इतना अनुभव, जिनके साथ में है, ऐसे जोक्स मारना अभी छोड़ देना चाहिए ऑपोजिशन को। और रियल परिस्थिति ग्राउंड पे क्या है, लोगों को क्या चाहिए, देश के लिए क्या बात करना चाहिए, उस पर एटलीस्ट इन्होंने काम करना शुरू करना चाहिए। मैं आपको इतने बताती हूँ, मुझे तो बहुत हंसी आती है, ऐसे जोक्स मारते हैं कई ऑपोजिशन के लीडर जो इतने सीनियर है, जिन्होंने इतना अनुभव, जिनके साथ में है। और मैं एक विनंती जरूर करूंगी कि ऐसे जोक्स मारना अभी छोड़ देना चाहिए ऑपोजिशन को। और रियल परिस्थिति ग्राउंड पे क्या है, लोगों को क्या चाहिए, देश के लिए क्या बात करना चाहिए, उस पर एटलीस्ट इन्होंने काम करना शुरू करना चाहिए। अगर ईवीएम रहता तो मुझे लगता है हिमाचल जो तरीके से हारे थे, वहां पर भी वो मेजोरिटी में चुन के आते। चार राज्यों के निकालों में, पांच राज्यों के निकालों में, और एक जब तेलंगाना हारते हैं, तब ईवीएम क्यों नहीं काम में आता है, क्यों बाकी राज्यों में मेजोरिटी से वो चुन के आते हैं। तो मुझे लगता है लोगों का विश्वास ये मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के काम पे है, ना कि ईवीएम पे है। और अभी एटलीस्ट ये ऑपोजिशन के कई लीडरों ने जो मारना बंद करना चाहिए और सीरियस में आके उतर के काम करना शुरू करना चाहिए। एक और मुद्दा मैम, 6 तारीख को जो इंडिया ब्लॉक अलायंस बनाया गया है उसकी मीटिंग है, और लेकिन ममता बनर्जी इस मीटिंग को स्किप कर रहे हैं। उन्होंने एक हवाला दिया है कि उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और देखिए, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अभी ऑपोजिशन की गठबंधन पूरी तरीके से हुआ नहीं, जहां पर बिखरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो धमाका 3 राज्यों में मोदी जी के चेहरे को देखकर, मोदी जी के काम को देखकर, ये सभी राज्यों ने एक तरफा लहर वेव दिखाई है, तो इनको पता है कि कितना भी गठबंधन झुंड जमा कर लें, कुछ मोदी जी के विरोध में होना नहीं है, 400 पार तो नक्की होनी है।